जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत हमने 3.1 के तीनों क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपन 3.2 करेंगे और 3.2 का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। आपको पहला रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके दो क्वेश्चन हैं, दो में से एक मैं करवा देती हूँ, एक आप स्वयं करें। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी है? 10। यदि लड़कियों की संख्या, अब देखिए लड़के और लड़कियां दोनों कमांड है, लड़के और लड़के दोनों कमांड है, तो माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या क्या है? एक्स। क्या है? एक्स। इसी तरह लड़कों की संख्या क्या है? वाई। अब क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, तो क्या कंडीशन बन गई? एक्स प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। पहली शर्त के अनुसार। अब सेकंड शर्त, द्वितीय शर्त, शर्तानुसार। अब सेकंड कंडीशन क्या है? देखो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या कह रहा है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखो, ये है आपकी लड़कियां और ये है लड़के। लड़कियां 4 अधिक है लड़कों से, लेकिन यहाँ बीच में निशान किसका है? बराबर। तो बराबर कैसे होगा? ये अधिक है लेकिन जोड़ेंगे किसके अंदर? इसके अंदर। तब ये क्या होगा? दोनों बैलेंस होंगे। लड़कियां अधिक है लेकिन करेंगे किसको? लड़कों को, जिससे इनके बीच में क्या है? बराबर का बैलेंस रहेगा। तो ऐसे समीकरण बनाए, ये वाई इधर आएगा तो बनेगा एक्स माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। यह आया आपका दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए, पहला है x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4। ये आगे दो समीकरण चेक कीजिए, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब a1 की वैल्यू x1 का गुणांक 1, y1 x2, a1 का भी 1, ये a1 और a2 दोनों का 1/1, ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है -1, ये आ रहा है 10 और ये आ रहा है 4। क्या 1/1 -1/1 के बराबर है? नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन हुई? प्रतिच्छेद की। और तो दोनों रेखाओं का ग्राफ कैसे बनेगा? दोनों आपस में कटेगी। और ये कंडीशन कौन सी है? प्रतिच्छेद की। कौन सी कंडीशन है? प्रतिच्छेद की। इस तरह से अब देखिए आप, अब समीकरण नंबर 1 उतारे। समीकरण नंबर है 1, एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब इसमें एक्स बराबर 0 रखें, एक्स बराबर 0 रखने पर, तो एक्स को 0 रखा तो क्या बना? वाई बराबर 10, 0 प्लस वाई बराबर 10। अब लिख दो, वाई बराबर 0 रखने पर तो क्या होगा? एक्स बराबर 10। टेबल बना लें, एक्स प्लस वाई, हाँ एक्स 0 रखा तो वाई आया 10 और वाई 0 रखा तो एक्स आया 10। ये कंडीशन। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन, एक्स माइनस वाई बराबर चार। एक्स 0 रख दो तो देखो 0 माइनस वाई बराबर 4, वाई को इधर ले जाओ 4 को इधर ले आओ तो क्या बनेगा? वाई बराबर -4। वाई की वैल्यू कितनी आएगी? -4। अब वाई बराबर 0 रख दो तो क्या होगा? एक्स माइनस 0 बराबर 4, तो एक्स बराबर कितना आया? 4। टेबल बना लें, हाँ एक्स 0 रखा तो वाई का -4 और वाई 0 रखा तो एक्स का चार। इस तरह से अब हमारे पास दो टेबल आ गई। अब इनसे हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ बनाए, ये आपका वाई अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच। अब पहली टेबल है, देखो एक्स जीरो वाई दस, एक्स जीरो वाई दस यानी वाई पे दस चाहिए, ये आपका सात, आठ, नौ और ये दस, ये बिंदु आ गया एक्स जीरो वाई दस, एक्स जीरो वाई दस। फिर वाई जीरो एक्स दस, ये रहा आपका वाई जीरो एक्स दस। अब इन दोनों प्रिंटों को स्केल की सहायता से मिला दे, तो देखो ये आपका दस है, यहां से यहां मिला दीजिए, मिल गया। अब सेकंड टेबल देखें, एक्स जीरो वाई का माइनस चार, देखिए एक्स जीरो वाई का माइनस चार, ये रहा एक्स जीरो वाई का माइनस चार, एक्स जीरो वाई जीरो एक्स का चार, ये रहा एक्स का चार। अब इनको मिलाते हुए काटे रेखाएं बनाए, ये देखिए दोनों रेखाएं आपस में कट गई, ये देखिए दोनों रेखाएं आपस में आपकी कट गई। और हमारी भी क्या कंडीशन थी, प्रतिच्छेद की, क्या कंडीशन थी, प्रतिच्छेद की। अब ये किस रेखा का ग्राफ है, एक्स प्लस वाई बराबर दस, और ये किसका था, सेकंड नंबर का, एक्स माइनस वाई बराबर चार, एक्स माइनस वाई बराबर चार। अब क्या था पैमाना, यहाँ लिखना आपको पैमाना, क्या लिखना है पैमाना, क्या एक्स अक्ष पर एक सेमी बराबर एक खाना, इसी तरह वाई अक्ष पर एक सेमी बराबर एक खाना। यह है आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का पहले का पहला भाग, क्वेश्चन नंबर एक का पहला भाग। इस तरह से आपको इसका सेकंड भाग स्वयं करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, अनुपातों A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। देखिए इसमें तीन भाग दे रखे हैं आपको, तो पहला चेक करना प्रतिच्छेद, दूसरा समांतर, तीसरा समपाती। तो हमें मालूम है क्या था कंडीशन, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो कंडीशन थी प्रतिच्छेद की, किसकी थी, प्रतिच्छेद की। इसी तरह A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, यहाँ अगर क्रॉस आता है तो कंडीशन थी समांतर की। इसी तरह A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, किसकी कंडीशन थी, संपाती की, किसकी है, संपाती की। ये है तीन कंडीशन, इन तीनों से अपने पास तीन क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको वेरीफाई करना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है 5x-4y, देखिए फर्स्ट भाग 5x-4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। चेक करें, देखिए A1 5, A2 7, 5 बट्टा 7 बराबर ये कितना है, माइनस 4 बट्टा 6, ये कितना है, 8 बट्टा माइनस 9। क्या 5 बट्टा 7 और 4 बट्टा 6 बराबर है, नहीं है, तो कौन सी कंडीशन आई, प्रतिच्छेद की, किसकी आई, प्रतिच्छेद की। इसी तरह देखें इसका सेकंड भाग 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। चेक करें, 9 बट्टा 18, 3 बट्टा 6, 12 बट्टा 24, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 बट्टा 2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2। तीनों किस में बराबर होते हैं, संपाती में, तो कंडीशन क्या आ गई, संपाती, कौन सी आ गई, संपाती। यह है क्वेश्चन नंबर दो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीन, अनुपातों A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत।
अब देखिए संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। देखो संगत कंडीशन कौन कौन सी कहलाती है, देखिए जो प्रतिच्छेद की कंडीशन होती है वो आपकी कहलाती है संगत। क्या कहलाती है? संगत। समांतर वाली कंडीशन कहलाती है असंगत, और संपाति वाली कंडीशन वापस क्या कहलाएगी? संगत। तो देखो असंगत कौन सी है? समांतर। जहां ये असमांतर वाली कंडीशन आएगी वो किसकी कहलाएगी? असंगत की, और बाकी सभी क्या होंगे? संगत। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग, पहला भाग है आपका 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ये दो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें संगत और असंगत ज्ञात करना है। तो हम वही अनुपात चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 5, c2 की वैल्यू 7 आ गई। अब देखिए 3/2, क्या 2/-3 के बराबर है? बराबर नहीं है। तो नहीं वाली पहली कंडीशन किसकी? प्रतिच्छेद की। पहली कंडीशन किसकी? प्रतिच्छेद की। प्रतिच्छेद है तो रेखाएं क्या बनेंगी? संगत। क्या बनेंगी? संगत। इसी तरह देखिए एक क्वेश्चन है इसका तीसरा भाग, तीसरा भाग कह रहा है 3/2x + 5/3y = 7। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले इसकी सही भिन्न बनाएं। 2 और 3 का LCM आएगा 6। 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार 3 को 3 से गुणा किया 9x। 3 का भाग 6 में गया, 2 बार 2 को 5 से गुणा किया 10y = 7। 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x + 10y 7×42। 7 को इधर भाग वाला उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा, और बन जाएगा 7×42। अगली इक्वेशन है 9x - 10y = 14। सेकेंड इक्वेशन क्या है इसकी? 9x - 10y = 14। चेक कर लें, a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1 की वैल्यू 9, तो b2 की वैल्यू भी 9, b1 की वैल्यू 10, b2 की वैल्यू -10, c1 की वैल्यू 42 और c2 की वैल्यू 14। 9 से 9 कट गए, 10 से 10 कट गए, तो 1/1, लेकिन ये 10 माइनस का, इसलिए माइनस का 1 चौथी, 14 से नहीं कट रहे, कोई बात नहीं, 42/14 ही रख लें। चौथी 42 कट रहे ना 3 बार, चौथी 42, 3/1। क्या 1/1 - 1/1 के बराबर है? नहीं है। तो ये कंडीशन भी कौन सी हुई? फर्स्ट क्रॉस किस में लगता है? प्रतिच्छेद में। और प्रतिच्छेद वाली कंडीशन क्या कहलाती है? संगत कंडीशन कहलाती है। इस तरह से इसका दूसरा भाग, चौथा भाग और पांचवा भाग आप स्वयं करें। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। आपको ये चेकआउट करना है, अगर ऐसा है तो आपको ग्राफ विधि जो हमने पीछे करवाई है उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।